हेलो, माई सेल्फ शिवम पांडे। मैं अन अकेडमी काकादेव कानपुर का एक ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने ये बताऊँगा कि हमारी ये जर्नी कैसी रही पूरे ईयर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब इस बार नीट 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे भी थे और उतने कम भी नहीं थे, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद काफ़ी सारे सजेशंस लिए हमने। मैक्सिमम लोगों का यही सजेशन रहा कि आप अन अकेडमी का कानपुर जो काकादेव का ब्रांच है वहाँ एडमिशन लीजिए, आप वहाँ निश्चित ही बहुत ही अच्छा करेंगे। फिर यहाँ आने के बाद मुझे स्कॉलरशिप भी मिली मेरे नीट के पिछले मार्क्स के बेसिस पे, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एडमिशन लेके अपना तैयारी स्टार्ट किया। बात थी जब रिजल्ट आया था तो मैं पूरे दिन यही सोचता रहता था कि ये साल मेरा कैसे जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले साल में बहुत सारी मेहनत की थी पर उतने एक्सपेक्टेशन से मार्क्स नहीं आए। जैसे लगता था कि पूरे साल अभी बहुत बड़ा साल बचा हुआ है और कैसे ख़त्म होगा, फिर वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी क्लास में जाके, पहले भी क्लास किया हुआ था, फिर वही चीज़ें क्लास में बैठ के सुनना तो बहुत बोरिंग सा लगेगा। पर उसके बाद जब यहाँ आया, क्लास में आने के बाद अभी तक का जो सेशन है, पूरे सेशन में पता ही नहीं चला कि कब ये सेशन ख़त्म हुआ और कब हमने स्टार्ट किया था। ये ऐसे पूरी जो 7-8 महीने की जर्नी थी, बहुत ही ऐसे बोलें कि पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया। और अभी लगता है कि मुझे और टाइम रहता तो मैं और बेटर करता। तो और अभी तक का क्या है, हमारा सिलेबस पूरा ख़त्म हो चुका है इतना पहले ही। अभी जो आगे के 2 मंथ बचे हुए हैं उसमें हमें रिवीजन और टेस्ट, हमारे सर ने ये सजेस्ट किया है कि इसे और बेटर से करेंगे। फिर बीच में भी जो हमारे टेस्ट होते थे जब हम स्टार्ट किए, जैसे ही हमारे टेस्ट ख़त्म होते थे, आधे घंटे 1 घंटे के बाद हमें सर लोगों से कॉल आने लगते थे, कैसा टेस्ट गया, कैसे मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम बताते थे। फिर उसके बाद से सर हमें गाइड करते थे कि अभी और बेटर कैसे करना है, क्वेश्चंस कौन से गलत हुए, किस टॉपिक पे ज़्यादा गलत हुए, ये सारे सर लोग मुझे बताए। जैसे दिवोलिया सर फिजिक्स में, शुक्ला सर केमिस्ट्री के, और के पांडे सर, ऐसे ही बायो में भी राकेश चौरसिया सर, प्रदीप त्रिपाठी सर, सारे लोग। जैसे पर्सनली अटैचमेंट होता है अपने घर के लोगों का, वैसे हमें कॉल करके पूछते थे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और जो डिप्रेशन होता है टेस्ट के बाद जब मार्क्स नहीं आते अच्छे, तो उसमें कैसे मोटिवेट रखना, ये सारे हमें बहुत अच्छे से कराया गया अभी तक। और आई होपफुल आगे भी ऐसा ही बहुत अच्छे से होगा।